पहले तो मैं कथांकन का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी रचनाएँ आप सबके सामने रख सकूँ, उनमें के सामने रख सकूँ। सबसे पहले मैं आपको बुक के बारे में बताता हूँ। इट इज़ कॉल्ड अ कपल ऑफ वाइन ग्लासेस। ई बुक है अभी बिकॉज बजट उतना नहीं था। ई बुक है, उसमें सिर्फ पोएम्स लिखी है, 10 पोएम्स हैं एंड ऑनलाइन अमेजोन पे आपको मिल जाएगी इफ़ यू सर्च अ कपल ऑफ वाइन ग्लासेस। सो मैं अब जो सुनाऊंगा सब हिंदी में सुनाऊंगा, बट सबसे पहले उस बुक का मेरा सबसे फेवरेट पोएम अ कपल ऑफ वाइन ग्लासेस वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सो इसके पीछे थॉट ये है कि जब हमारी सबकी डेथ विश होती है, दैट वी ऑल वॉन्ट टू डाई इन अ स्पेसिफिक वे, सो दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल डेथ विश जो मुझे लगती है और मैंने इसके बारे में लिखा है। सो हियर इट गोज। व्हाट डू यू नीड व्हेन यू डाई? अ कपल ऑफ वाइन ग्लासेस एंड समबडी टू ड्रिंक इट बाय योर साइड। व्हाट इफ लाइफ हैजंट बीन एज यू हैड थॉट? फाइटिंग ऑल योर बैटल्स स्टूड फर्म एंड हैड लॉस्ट। What if you have gained everything and lost? What if you have gained everything and you still feel that you have lost? You find someone who is your much more. Into her eyes you look and every battle seems worth losing for. Who stands by you to the grave and walks with you when you have outnumbered your days? So what do you want when you die? A couple of wine glasses and somebody to drink it by your side. So, अब जो मैं next सुना रहा हूँ वो कुमार मिश्रा जी की धुन है, मैंने पिरवाया है। मैं हर वक्त ये बोलता हूँ उनको क्रेडिट देने के लिए। किसी गुमनाम शायर के अनकहे शेर जैसा हूँ, वो पूछते हैं चल बता कि मेरे बिन मैं कैसा हूँ। जाओ पूछो उस चांद से, कहेगा वो ये दास्तां कि तू तो मेरी जैसी है, मैं उसके दाग जैसा हूँ। अब अगली जो मुक्तक है वो दो टुकड़ों में मैंने बांटी है। पहले जो दो लाइन है वो एक ऐसे व्यक्ति के जो जिंदगी में हार चुका है, उसके पास कुछ नहीं है, और अगले जो पंक्तियां हैं वो उसके बारे में है, उसका जवाब है कि आप क्या कर सकते हो। तो कहीं जरूरतों के दर पर ख्वाहिशें मर ना जाए, कहीं सांस लेते लेते सांस भर ना जाए। अब जो नेक्स्ट आएगा वो उसका जवाब होगा कि कहीं जरूरतों के दर पर ख्वाहिशें मर ना जाए, कहीं सांस लेते लेते सांस भर ना जाए। यूं तो हर बूंद को मोती में तब्दील कर सकते हो हम, दुआ करो तुम कभी समंदर में उतर ना जाए। अब मैंने एक मुक्तक लिखा था नए साल के लिए, नवसारी में आपका जो फंक्शन हुआ था उसके लिए, बट मैं नवसारी नहीं जा पाया। बट मैं अभी आपके सामने वो रखता हूँ कि नए साल का कैसा पैगाम लोगे? एक बूंद, एक घूंट, एक जाम साथ लोगे? यूं तो कब का कर दिया था इस दिल को तेरे हवाले, क्या नए साल में भी इस दिल को संभाल लोगे? अब एकदम ताजा सुनाऊंगा जो मैंने 4 दिन पहले लिखी है। आज की लिखी हुई भी एक है जो मैंने अभी 15 मिनट पहले लिखी। इसका नाम है इंतजार। ये थोड़ा सैड है, अगर दुख हो तो रो लेना। इंतजार तुम इंजीनियर हो, इनवॉइस काफी है। हर नमाज के हर अजान में तेरी आवाज गूंजने का इंतजार करता हूँ। सूखो पत्तों में तुझे ढूंढने को पतझड़ का इंतजार करता हूँ। किसी राह के गलत मोड़ पर मुलाकात हो गई थी तुमसे, अब हर राह में उसी मोड़ का इंतजार करता हूँ। कि अगर सरहद पर खड़ा होता मैं सिपाही, शहादत का इंतजार करता हूँ। इश्क के मजहब में कलमे 1000 लिखे हैं, इबादत का इंतजार करता हूँ। कि रात के जिस पहर में देखा था तेरा ख्वाब,
हर शाम ढलते उसी रात का इंतजार करता हूँ. अब नेक्स्ट जो पीस है वो एक कॉन्वर्सेशन है बिटवीन अ नॉर्मल जो लोग प्यार करते हैं एंड बिटवीन पोएट्स. उनका प्यार करने का अंदाज अलग है. दे आर वेरी ड्रामेटिक. छोटी सी घटना को भी बड़ा चढ़ाकर उस पर पोएट्री लिख देते. सो इट इज कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल. दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है कि तुम मंदिरों में फूल चढ़ा आना, मैं उसे ये शायरी सुना आऊंगा. तुम आंखों से इश्क लड़ाना, मैं स्याही से पेच लड़ाऊंगा. ये इश्क कितना पाक है तेरा जनाब, के रिचार्ज का खर्चा तुम उठाना, बातें सारी मैं कर जाऊंगा. तुम उसको तस्वीरों में कैद कर लेना, मैं उसके साथ यादें बना लूंगा. तुम जिस्मों में उलझ कर रह जाओगे, मैं उसकी हर रूह छू जाऊंगा. कि यूं तो दिल भी मेरा बड़ा है, शादी में जरूर आना, रसमलाई अलग से लगवाऊंगा. अब ये आखिरी प्रश्न मैं रखता हूं आपके सामने. ये मैंने अभी आज लिखी है. ये भाव उठ रही है. होंठों से तेरे जिस्म को छूने की चाहत नहीं की थी हमने, बस दो कतरा इज्जत बख्श देना. आज जाने की ये जिद है तेरी, बस जाते वक्त एक बार मुड़कर जरूर देखना. क्या पाया था तूने, क्या मैं खो जाऊंगा, ये ना पूछना. मेरी गजलों में तेरा जिक्र किया है, एक बार पढ़कर जरूर देखना. बस जाते वक्त एक बार मुड़कर जरूर देखना. ले जाते हो तो ले जाओ, ये नग्मा ये नज़्मा सब तेरे नाम है. तेरे जिक्र में मेरी खुशबू, एक बार छू कर जरूर देखना. बस जाते वक्त एक बार मुड़कर जरूर देखना. अब आखिरी दो पंक्तियां रखता हूँ, वापस कुमार विश्वास जी की धुन में है. वो कहते थे जुदाई के आंसू सूख जाएंगे, न हमको वो करेंगे याद, न हमको याद आएंगे. मगर भूले थे वो चंदन, कभी खुशबू नहीं खोता. जगर तुम सांस भी लोगे, हमें महफिल में पाओगे. क्यों जालों में ढूंढता तो गुमसुम सा अंधेरा है. ये सूरज कल भी तेरा था, ये सूरज कल भी तेरा है. वो बारिश की बूंदों से तो धुंधलाते किनारे हैं. बारिशों के ही आगे तो झिलमिल सा सवेरा है. अब एक आखिरी, अगर इंग्लिश में आपको इजाजत हो, ये बुक में नहीं है बट ये दूसरी वाली बुक में होगी. क्या बात है. इट इज कॉल्ड टेमिंग अ पोएट. टेमिंग मतलब जैसे हम वश में कर लेंगे. इट इज काला जाता. हां काला काला जाता. ये आखिरी है ना. चलाएंगे. हाँ बस आखिरी. आज पहली बार बोलने को मांगा तो टाइम स्लॉट ज़्यादा. टेमिंग अ पोएट. हाउ डू यू टेम अ पोएट्स हार्ट दैट वांट्स टू फ्ली इनटू द वुड्स. वुड्स मींस जंगल. क्लाइम्स द सी टू फाइंड द परफेक्ट वर्ड्स टू सूट हर इफ्स हर बट्स एंड वुड्स. व्हाट डू यू डू ऑन द ब्राइटेस्ट डे व्हेन हेज एंड फॉग इज ऑल यू ब्रीथ. सिटिंग अबव द स्काई अंडरनीथ. Thinking of unheard of thoughts, seeking what you have never sought. Her touch, the essence, the realms of love. She knows his vein, she breathes her thoughts. She keeps a poet within her heart. She plays the love on the golden harp. What has ever captured her tranquility? No words enough in the books. She imparts them to the trees of Yale, where he writes this romantic tale. How do you ever tame a poet's heart? A leaf above smiled and fell, but only if it could tell.